Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाइयों, जैसा कि हीरा गोल्ड के मैटर में अभी तक तो मतलब सब लोग AIMIM का नाम इधर उधर सारी चीज़ें ले ही रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया है कि हाँ, इसमें सारा का सारा जो दारोमदार है वो AIMIM के ही लीडरों का है। उन्होंने अपने एक दो गुर्गों को छोड़ दिया है कि आप जो है इस तरीके से काम करते रहिए। आज इतना मैटर हो गया है और AIMIM के जो सारे लीडर हैं बड़े, वो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा वफादार बताते हैं। आज मुसलमान कौम इस तरीके से परेशान है और समझ लीजिए कि उन लोग की परेशानी इस कदर है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन इन लोगों की ज़बान पे एक भी बार ये अल्फाज नहीं आया कि क्या वजह है, चलो इस चीज़ को किया जाए, या ये लोग कभी आके कहीं पे कॉन्फ्रेंस करके या कोई चीज़ बताए नहीं। ये अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, दो चार लोगों को छोड़ के, और पूरा अंजाम ये लोग अपने तरीके से दे रहे हैं। फाइनेंशियल होने दो, कुछ भी होने दो, जहाँ ज़रूरत है ये लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। और AIMIM के लोगों की अब ये, मुझे जहाँ तक लगता भाई, कि ये सोच हो चुकी है कि मुसलमानों का पेट कभी भरे नहीं, ये हमेशा खाली रहे। अगर इनका पेट भरने लग जाएगा तो ये आगे का सोचेंगे, तो हमारी पॉलिटिकल क्या होगी, मतलब पेट भरेगा, आगे चले जाएंगे, ज़्यादा लोग से पहचान हो जाएगी, जिस तरीके से आपा नोहरा शेख ने किया है, और लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होएगा। तो ये लोगों के हमदर्द नहीं है भाई, AIMIM वाले यही चाह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ परेशान रहें। जब भूख लगी रहेगी तो उतना ही सोचेंगे कि मेरा पेट कहाँ से भरे, और इसी तरीके से मुसलमान भूखे रहें, और ये लोग जो हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। भाई, इन लोगों को मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, हीरा गोल्ड इन्वेस्टर से कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। भाई, आज मुसलमान परेशान है, इन लोगों की ज़बान पे एक भी बार ये नहीं आया है कि मतलब क्या है, कैसे है, चलो इसको सेटल करते हैं, और ये अपनी ज़बान बंद किए हुए हैं और इनके दिल में काला है, और ये लोग उस चीज़ को रख के मैटर को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। खाली एक नाम के लिए शहबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी का ये लोग आपस में मीटिंग करके, और इसके बाद शहबाज के थ्रू ये पूरा जैसे एक स्पीकर आदमी रख देता है कि आप बोलो, आप प्रवक्ता हो इस चीज़ के, तो वो उस चीज़ को करके ले रहा है, और बाकी का किसी को इससे लेना देना नहीं है। उनको हीरा गोल्ड को किसी तरीके से क्रश करना है, और मुसलमानों से इनका मतलब नहीं है, इन्वेस्टर जो कंप्लेन कर रहे हैं उनका पैसा मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, ये लोग अपने टारगेट को और अपने मिशन में लगे हुए हैं। और जहां तक उम्मीद है कि ये लोग इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अपना खेल खेल रहे हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी अल्लाह ताला है, और जिस दिन वो चाहेगा वो अपना खेल खेलेगा इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मतलब सामने वाले की मतलब पूरा का पूरा ज़िंदगी ही जेल में कट जाएगी। ठीक है, इन लोगों के अंदर ज़र्रा बराबर भी अगर ईमान होता तो एक औरत के लिए लोग थोड़ा सा सोचते थे कि यहाँ क्या है। और पूरा का पूरा पॉलिटिकल इशू जो है वो AIMIM के ही लोगों से किया गया है, और ये लोग पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं, और हीरा ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों के लिए इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, कोई कैसा भी रहे उसके लिए ये लोग अपने राजा के सरीके से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर इतनी ही फिक्र होती तो आदमी एक बार आके कम से कम बोलता था कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी ज़बान बंद करके वो आदमी इस तरीके से नज़रअंदाज किया है, जैसे लग रहा है कि वो कुछ जानता ही नहीं है, एकदम अंजाम बना हुआ है। तो दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सच का साथ देंगे, आज नहीं तो कल जो मैटर है वो क्लियर ही होएगा। रही बात, वक्त लग रहा है, सारे मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह सारे लोगों की परेशानी को आसान करे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि AIMIM ने जो है जिस तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए एक तरीका अपनाया है वो बहुत ही गंदा और बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों।